सो गाइस हम पहुंच गए हैं ये झूला देवी मंदिर। अब बस हम अंदर ही जा रहे हैं। ये है मंदिर। हाँ बस मंदिर के अंदर जा रहे हैं, हम प्रसाद लेते हैं थोड़ा, फिर अंदर ही जा रहे हैं। तो ये मेरी थाली रेडी हो गई है, इसे ले जाऊंगी मैं मंदिर में। प्रसाद की थाली ले ली है, मम्मी ने भी ले ली, और हम मंदिर ही जा रहे हैं। चलो प्रसाद तो चढ़ाएंगे, आओ चलो प्रीति। मुझे थोड़ा प्रसाद खाना है आंटी। तो क्या चाहिए आपको? प्रसाद। प्रसाद हमारे भगवान जी है। चलो भगवान जी, चलो हमारे भगवान जी है, अब भगवान जी को खिलाते हैं। पहले इसको खिलाते ये नारियल खोल के पानी तो आप ले लीजिएगा और थोड़ा सा माँ को चढ़ा दीजिएगा, बाकी आपका प्रसाद हो जाएगा। आ रही हूँ, एक मिनट बजा रहा घंटी। सो गाइस ये है झूला देवी मंदिर। दर्शन हमारे हो गए, फिर भी मैं एक राउंड आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का मंदिर है पूरा। सो ये यहाँ पूजा हो रही है, जो भी प्रसाद चढ़ता है यहाँ चढ़ता है। ये है अभी झूला देवी माता। तो ये पूरा आपका मंदिर ही है। ये है शिव जी भगवान की मूर्ति, ये पूरी घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। कई लोग कुछ मांगते हैं पूरा हो जाता है, बिकॉज इस मंदिर की भी काफ़ी मान्यताएं हैं। पूरा होने के बाद यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं लोग, पूरी हो जाती है जब मान्यता। तो काफ़ी इतनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, सब जगह घंटियाँ घंटियाँ लगी हुई हैं। तो सबकी जो भी है, मतलब जो भी मांगते हैं ना मनोकामना, वो मांगने के बाद पूरी हो जाती है। तो सब लोगों ने देख सकते हैं आप इतनी चढ़ा रखी है यहाँ पे सब। सो गाइस बस माता के दर्शन हमें हो गए हैं, हम मंदिर से निकल रहे हैं। मंदिर से निकलने के बाद काफ़ी जगह हमें जाना है रानीखेत में। सो झूला देवी माता के दर्शन करके अब जा रहे हैं राम मंदिर। तो झूला देवी जो मंदिर है उसके सामने से ही हमें जाना होता है राम मंदिर के लिए। तो वो मंदिर हम जा रहे हैं, कितना ऊपर जाना है पता नहीं। और ये पृथ्वी मेरी गोदी में बैठ गया, मुझे तो चला भी नहीं जा रहा है। मम्मी कोई बात नहीं, जिधर जिधर जा रही हो उधर उधर से मैं नीचे बोल लूंगा, ठीक है जा रही हूं। चलो फिर चल जाए। तो ये है राम मंदिर का रास्ता गाइस, यू कैन सी पूरा सीढ़िया जैसा चढ़ना है। तो अभी पृथ्वी नीचे उतर गया और मम्मी लोग चढ़ ही रहे हैं ऊपर। देखो पृथ्वी भी चढ़ रहा है, गो वेरी गुड। और मैं भी चढ़ रही हूँ, अभी मुझे पता नहीं है कितना ऊपर जाना है, तो लेट्स सी कितना ऊपर जाना होता है। बट यहाँ पे आके ना थोड़ा पीस, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, और इतनी फ्रेश हवा आप देख सकते हो, पूरा 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 ग्रीनरी दिखेगा, कहीं भी आपको ऐसा घर नहीं दिख रहा होगा, इतना पूरा ग्रीनरी है इतना सारा जगह। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। ये देखो श्री राम मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, राम मंदिर मार्ग। सो यही है मार्ग। सो इस मंदिर में हम जाते हैं, दर्शन करते हैं भगवान जी के, देन नेक्स्ट क्या प्लान है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताते रहूँगी। सो पृथ्वी भी अब चलने लगा है, तो आई एम हैप्पी, यू कैन सी पृथ्वी मम्मी सब लोग आगे हैं मेरे, मैं पीछे हूँ, मेरा छोटा भाई भी है, तो सब लोग जा ही रहे हैं। तो मुझे आप व्यू देखिए आप कितना अच्छा है, मतलब पूरा ग्रीनरी जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें तो दिखती नहीं होगी, और जो मेन हल्द्वानी में रहते हैं वो भी नहीं देखते होंगे। जैसा मेट्रो सिटी में होंगे उनको तो ऐसा नसीब भी नहीं होता होगा, देख सकते हैं आप। तो व्यू आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलने की आदत नहीं होती तो ऐसे ही होता है, दो सीढ़ी चल के इतनी सांस सूनने लग गए हैं मेरी, ना मेरी एक्सरसाइज की आदत रही है अब, ना चलने की आदत रही है, तो मेरी बिल्कुल सांसें भूल गई हैं। मंदिर में जाते जाते बहुत से बंदर भी दिख रहे हैं, यू कैन सी अभी पेड़ पे चढ़ गया बंदर, दिख रहा होगा गया बंदर भी दिख रहे हैं, इवन लंगूर भी दिख रहे हैं। अगर लंगूर दोबारा दिखेंगे तो
मैं आपको दिखाऊंगी। ये बैठा बंदर। हेलो बंदर जी। और ये है मंदिर, पहुँच ही गए। मतलब ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है तो फिर मंदिर आ जाता है। ये देखो भाई, ये है बंदर। अब ऊपर आ जा। नहीं इधर नहीं, इधर 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 ऊपर है ना। कितने सुंदर से लग रहे थे, ऐसा पूरा पेंटिंग देख सकते हैं पूरा। अभी यहाँ तक आए हैं हम, ऊपर भी जा रहे हैं ऊपर। सो अब मेन राम मंदिर जो है उनके अंदर एंट्री कर रहे हैं, और अंदर कैसा है वो मैं दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, हमने अभी राम मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं। अंदर फोटोज अलाउड नहीं थी तो मैंने फोटोज ली नहीं है, बट इसके ऊपर ही है झूला देवी के जस्ट अपोजिट साइड पे ही राम मंदिर है, तो यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं।